स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को एंड कोर्सेज को टाइम टू टाइम कवर करेंगे डिटेल में। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए आप जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। तो UPSC कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और भी कोर्सेज के सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे SSC इनकम टैक्स में SSC की डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, और जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है जो हमारे लॉ में मैंशन है, इनकम टैक्स एक्ट में मैंशन है, उसको लास्ट में इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं SSC की डिफिनीशन एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। SSC की डिफिनीशन दी हुई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। जितनी भी डिफिनीशन है वो सेक्शन 2 में मेंशन की हुई है, ठीक है। SSC मींस कौन हुआ? पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पर्सन बाय हुम, यानी जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का एनी टैक्स, ठीक है, या कोई भी सम ऑफ मनी लाइक फाइन, ठीक है, पेबल हो, मतलब उसको पे करना हो, उसके लिए ड्यू हो और उसको पे करना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? SSC कहलाएगा, ठीक है। और डिफिनेशन में इसके अलावा क्या दिया हुआ है? ये जो लाइन मेंशन की है उसके अलावा दिया है इन एडिशन टू दिस, क्या दिया है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्स होंगी, एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मीन्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ किस चीज की असेसमेंट हो सकती है? ऑफ हिज इनकम, या तो उसके इनकम की होगी और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसिबल। और क्या हो सकता है? या तो उसकी इनकम पे होगी या किसी अदर पर्सन की इनकम पे होगी जिसमें वो एसेसिबल हो, या उसने कोई लॉस सस्टेन किया हो, लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, ठीक है। और कौन हो सकता है? किसी को किसी प्रकार का रिफंड मिल रहा हो, ठीक है, तो वो भी SSC कहलाएगा। और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, ठीक है। और कौन SSC कहलाता है? एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन SSC अंडर, मतलब एक तो नॉर्मली जो ऊपर आपकी डिफिनीशन में है वो तो SSC कहलाएंगे ही, ठीक है। और डीमिंग प्रोविजन है, ठीक है, हमारे एक्ट में डीमिंग प्रोविजन है। तो डिफिनीशन क्या इंक्लूड करता है? डिफिनीशन ये भी इंक्लूड करता है कि हर वो व्यक्ति, ठीक है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी SSC अंडर एनी प्रोविजन, ओके, ऑफ द एक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या मेंशन किया रहता है? एवरी पर्सन, एक तो जो डीम प्रोविजन हो, उसके बाद और कौन से व्यक्ति? हर व्यक्ति हु इज डीम to be SSC in
डिफॉल्ट, ठीक है, एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कौन से व्यक्ति एसएससी कहलाएंगे, चलिए फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, कौन से व्यक्ति एसएससी कहलाएंगे, हर वे व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार का टैक्स या कोई भी सम पे करना पड़ जाए, ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो एसएससी कहलाएंगे। और कौन कौन एसएससी कहलाएगा, हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स चल रही हो, किस चीज़ से रिलेटेड प्रोसीडिंग चलेगी, या तो उसकी खुद की इनकम को लेकर प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, या तो चलेगी किसी अदर पर्सन की इनकम को लेकर के जो कि एसेसेबल हो रहा हो, ठीक है, या क्या होगा, या तो उसने कोई प्रकार का लॉस सस्टेन यानी लॉस इनकर किया हो उसने या किसी अदर पर्सन ने, तो भी वो एसेसी कहलाएगा, ठीक है, या कोई अमाउंट रिफंड हो रही हो, उसको रिफंड मिल रहा हो या किसी अदर पर्सन को, तो वो भी एसेसी कहलाएगा। और जो डीमिंग प्रोविजन है, यानी जो डीम कर लिए जाते हैं, मान लिए जाते हैं कि वो एसएससी, वो कौन व्यक्ति होंगे, इस प्रोविजन, इस एक्ट के अंदर किसी भी प्रोविजन में, किसी भी एनी प्रोविजन में अगर उसको एसएससी माना जा रहा है तो वो नॉर्मली एसएससी कहलाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। और अगर एसएससी इन डिफॉल्ट है तो भी वो एसएससी माना जाएगा अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट। सो आई होप आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई हो एसएससी की। देखिए जो डिफिनीशन है उसको सिर्फ सिंपली अंडरस्टैंड करना है और नंबर ऑफ टाइम रीड करना है ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाए और आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सकें। सो स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट में उनको अंडरस्टैंड करना और मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक कोई प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए इस डिफिनीशंस को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज के केसेस, केस वाई केस मीनिंग अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आप केस को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें इनकम टैक्स के और कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। सो जय हिंद, जय भारत।